छात्रों, बही खाता लेखाकर्म के अंतर्गत कक्षा 12वीं में हम इकाई 2 अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे, साझेदारी फर्मों के लेखांकन और उनका मूल तत्व। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जानेंगे ख्याति क्या होती है, ख्याति से आशय क्या है, ख्याति की परिभाषा क्या है, विशेषता क्या है, ख्याति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, साथ ही ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व तो कौन कौन से हैं और ख्याति के मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि ख्याति क्या है। ख्याति वास्तव में एक व्यवसाय की साख है, उसकी प्रसिद्धि है, जिसका हम मौद्रिक रूप से मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ख्याति से आशय क्या है। ख्याति गुडविल, ख्याति जो है एक अदृश्य और अमूर्त संपत्ति के साथ साथ एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। ख्याति एक इस प्रकार की संपत्ति है जो हमें सामने नहीं दिखती है। ये कैसी संपत्ति है? स्थायी संपत्ति है, व्यवसाय में लंबे समय तक रहती है। एक व्यवसाय की जो साख है, जो उसकी प्रसिद्धि है, जो उसकी अतिरिक्त लाभ कमाने में उसकी मदद करती है, वही क्या है? एक व्यवसाय की ख्याति। तो ख्याति व्यापार या व्यवसाय की वह शक्ति है जो ग्राहकों को फर्म के उत्पादन को क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। तो ख्याति क्या है? ख्याति वो है जो एक ग्राहक को उसी स्थान पर वापस ले जाती है जहां से वो पहले से उत्पादन को खरीद रहा है। तो इस प्रकार से ख्याति को हम इस मायने में जान सकते हैं कि ग्राहक क्रेता अपने पुराने स्थान पर आते रहे, अर्थात जो ग्राहक है, जो क्रेता है, वो उसी दुकान में या उसी संस्थान में, प्रतिष्ठान में यथावत रूप से जाता रहे, यही क्या है? उस प्रतिष्ठान की ख्याति है। व्यवसाय का वो नाम या यश जो उसके ग्राहक या अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होता है, ख्याति कहलाती है। लेखांकन की भाषा में ख्याति वो है जो अन्य संस्था की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती है। तो ये अधिक लाभ कमाने की जो क्षमता है, यही क्या है? ख्याति है। अर्थात यदि हम देखें कि दो संस्थाएं एक साथ कार्य कर रही हैं, एक प्रकार का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन यदि दूसरी संस्था अपेक्षाकृत पहली संस्था से अधिक लाभ प्राप्त कर रही है, तो दोनों के लाभ के बीच में जो डिफरेंस है, वही दूसरी संस्था के लिए क्या है? उसकी ख्याति है। तो यहाँ पर लेखांकन की भाषा में जो है, अन्य संस्था की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखने जो है वो ख्याति कहलाती है। कुछ विद्वानों ने जो ख्याति की परिभाषा दी है, लॉर्ड एल्कन के अनुसार ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहें। स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं अपने आम जीवन में कि जिस भी दुकान से यदि हम सामग्री खरीदते हैं, तो यदि हमें वहाँ का सामान अच्छा मिलता है, व्यवहार अच्छा है, सारी बातें अच्छी हैं, तो हम उसी दुकान में जाकर सामग्री खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है? उस दुकान की, उस प्रतिष्ठान की ख्याति जो है वो अच्छी है, बेहतर है। दूसरी परिभाषा जो लॉर्ड मैकनॉटन ने दी है कि ख्याति जो है व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। एक व्यापार का जो उस क्षेत्र में अच्छा नाम है, उस दुकान का अच्छा नाम है, उस व्यवसाय के लोगों से अच्छे संबंध हैं, अच्छे संपर्क हैं, ये वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को लाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करती है। वहीं लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंध तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। जो व्यवसाय के संबंध है अपने ग्राहकों से, जो उस व्यवसाय की प्रसिद्धि है, उससे जो व्यवसाय को लाभ हो रहा है, वही क्या है? ख्याति है। फिर प्रोफेसर डिक्सी ने कहा है, यदि व्यक्ति ख्याति के लिए धन देता है
तो भाई किसी ऐसी वस्तु के लिए देता है जो उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है कि भाई अपने निजी सहायता रहित प्रयासों की अपेक्षा अधिक अर्थोपार्जन कर सके। तो यहाँ पर जो है ख्याति, हमने जाना कि ख्याति का जो लाभ है वो उसकी किससे जुड़ा हुआ है, उसकी साख से जुड़ा हुआ है, उसकी प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इस परिभाषा से हमने जाना कि अन्य संपत्तियों की भांति ख्याति व्यापार की क्या है, एक स्थायी संपत्ति है जिसके कारण ही व्यापार को अधिक लाभ होता है। व्यापार की स्थिति, व्यापार के व्यवहार एवं विक्रय कला, अच्छे माल की प्राप्ति के कारण अधिकाधिक ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे व्यापार की साख अथवा ख्याति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस व्यवसाय या व्यापार की ख्याति है उस व्यापार को अधिक लाभ होता है, साथ ही व्यापार की स्थिति अच्छी होती है, व्यापारी के व्यवहार अच्छा है, उसकी विक्रय कला अच्छी है, अच्छे माल की प्राप्ति यदि हमें होती है तो अधिक से अधिक मात्रा में ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं और इन सब बातों से व्यापार की साख और उसकी ख्याति में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना यहाँ पर कि ख्याति क्या कहलाती है। ख्याति की विशेषताएं किन बिंदुओं के आधार पर हम कहेंगे कि ख्याति यहाँ पर है। तो ख्याति क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है, ये सामने नहीं दिखती लेकिन क्या होती है, ये कृत्रिम संपत्ति है, फिर भी ये एक संपत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि प्रतिष्ठान ऐसे स्थान पर है जहाँ पर कि उसका व्यवसाय बहुत अच्छा है, उसकी लाभ कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिष्ठान का जो मूल्य है वो कैसा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर उसकी जो ख्याति है वो क्या है, हमें सामने नहीं दिख रही, अदृश्य है और ये कैसी है, कृत्रिम संपत्ति नहीं है। तो ये एक प्रकार की क्या है, अमूर्त संपत्ति जो हमें सामने नहीं दिखती। फिर दूसरा जो है, इसमें ख्याति को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता, अतः इसको एक स्वतंत्र संपत्ति के रूप में हम अलग से व्यवसाय के से अलग करके इसको नहीं बेच सकते। ख्याति का यदि विक्रय होगा तो किसके साथ होगा, व्यवसाय के साथ होगा। जैसे यदि कोई प्रतिष्ठान है तो ख्याति जो है उसके साथ साथ चलती है, व्यवसाय में उस प्रतिष्ठान के द्वारा अधिक बेहतर लाभ कमाया जाता है तो ख्याति का मूल्यांकन उसी के साथ किया जाएगा। फिर ख्याति के मूल्य का संबंध विनियोजित राशि या उसको उत्पन्न करने की लागत से नहीं होता। यहाँ जो ख्याति का मूल्य है ये हम जो व्यापार व्यवसाय में जो राशि विनियोजित कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। ख्याति का मूल्य जो है ये फर्म की साख पर निर्भर करता है। फिर ख्याति के मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। ख्याति का मूल्य व्यवसाय के आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। ख्याति का जो मूल्य है वो कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आंतरिक और जो बाह्य स्थितियाँ हैं व्यवसाय की वो प्रभावित होती रहती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना ये ख्याति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम देखते हैं ख्याति के प्रकार। आमतौर पर ख्याति का कोई विशेष प्रकार नहीं होता किंतु इसके विक्रय मूल्य का जब हम निर्धारण करते हैं तो व्यवसाय व्यापार के साथ ख्याति को भी अविलंब हस्तांतरित किया जा सकता है या नहीं। यहाँ हम देखेंगे कि यदि उदाहरण के लिए यदि किसी व्यापार की बागडोर किसी कुशल व्यक्ति के हाथ में है जो अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण ग्राहकों को आकर्षित किए रहता है तो ऐसे व्यापार को क्रय करते समय समझकर ही मूल्य चुकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यापार व्यवसाय की साख है या ख्याति है वो उस कुशल व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण के कारण है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमने व्यापार खरीद लिया, व्यवसाय खरीद लिया और वो व्यक्ति वहाँ से अलग हो गया तो ऐसी स्थिति में उस व्यापार व्यवसाय की ख्याति उस व्यक्ति के कारण जुड़ी हुई थी तो उसके अलग होने से उस व्यापार का नाम व यश समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जानेंगे कि हस्तांतरण की दृष्टि से जब ख्याति का हस्तांतरण किया जाता है तो ख्याति की तुलना जो है तीन जानवरों के गुणों से की जाती है। इसमें एक प्रकार होता है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। बिल्ली को स्वभाव को हम जानते हैं कि बिल्ली का स्वभाव किस प्रकार का होता है, वो शांत और एक स्थान प्रिय होती है। घरों में हम देखते हैं यदि एक घर में बिल्ली टिक पाती रह पाती है तो उसी स्थान पर रहती है और बड़ी शांत भाव से रहती है। तो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति भी जो है इसी प्रकार की होती है, वो अपनी जगह नहीं बदलती।
प्रतिष्ठान के या व्यवसाय के व्यापार के मालिक भले ही बदल जाएं, लेकिन ख्याति जो है उस स्थान के साथ बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो है हमेशा किसके साथ रहती है, फर्म के साथ, भले ही फर्म का स्वामी बदल जाए। इस प्रकार से ख्याति मालिक के व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित ना होकर व्यापार की स्थिति पर निर्भर करती है। तो यहाँ ये ख्याति जो है ये व्यवसाय के मालिक के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं करती, ये किस पर डिपेंड करती, व्यापार की स्थिति पर। ऐसी व्यापार की स्थिति बहुत अनुकूल होती है जिसके कारण ग्राहक अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि वो व्यवसाय या व्यापार या वो प्रतिष्ठान कोई ऐसे स्थान पर है जहाँ पर ग्राहक बहुत सुविधा के साथ पहुँच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ग्राहक उसी स्थान पर जाते रहेंगे भले ही उसके स्वामी या मालिक बदल जाए। तो यहाँ पर व्यापार के हस्तांतरण के साथ साथ जब व्यवसाय व्यापार को बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी उसी के साथ हस्तांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति है इसका मूल्य सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान से जुड़ा होता है, उस प्रतिष्ठान से जुड़ा होता है, उस फर्म से जुड़ा होता है, इसलिए ये ख्याति कहलाती है लोकल गुडविल, ये स्थानीय ख्याति कहलाती है। तो ये जो है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है। इसके बाद है आपका कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। ये बात हम जानते हैं कुत्ते के स्वभाव के बारे में, कुत्ता कैसा होता है, स्वामी भक्त होता है, जहाँ जहाँ मालिक जाता है कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी जो है वो किससे जुड़ी होती है, व्यापार व्यवसाय या प्रतिष्ठान से जुड़ी होती है और उसके मालिक से जुड़ी होती है। जब तक मालिक या व्यवसाय का स्वामी उस व्यापार व्यवसाय प्रतिष्ठान में रहेगा तब तक वो ख्याति बनी रहेगी, और जैसे ही उस व्यवसाय व्यापार प्रतिष्ठान का मालिक उस व्यापार को छोड़ देता है तो ख्याति भी मालिक के साथ साथ चली जाती है। ऐसे फर्मों की ख्याति किस पर डिपेंड करती है, उनके स्वामी मालिक के ऊपर। मालिक का जो व्यक्ति का संबंध है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो मधुर व्यवहार है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, व्यवसाय को संचालन करने की जो उसकी कैपेसिटी है, ये इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। तो यदि हम ऐसे व्यवसाय को खरीदते हैं तो सोच समझ कर ही ऐसे व्यवसाय को हमें खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम जैसे ही व्यवसाय को खरीदेंगे तो व्यवसाय का स्वामित्व तो बदलेगा, और ये ख्याति जो है स्वामी के साथ जुड़ी है, तो स्वामी के हटते ही वो ख्याति वहाँ से गायब हो जाती है। अतएव इस प्रकार के फर्म की ख्याति मालिक के स्वभाव पर निर्भर होती है, इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, नए मालिक को इसका ख्याति का लाभ नहीं मिलता। इस प्रकार कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य क्या होता है, बहुत कम होता है। अब तीसरा प्रकार यहाँ पर रैट गुडविल, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहा जैसे हम जानते हैं चूहा स्थिर नहीं होता, बहुत ही घुमक्कड़ होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ से वहाँ पूरे समय वो होता रहता है, स्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं टिक पाता। इसी प्रकार कुछ व्यापार की ख्याति भी स्थायी नहीं होती, बार बार क्या होती रहती, परिवर्तित होती रहती है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति उस फर्म में पाई जाती है जहाँ किसी विशेष कारणवश या किसी विशेष वस्तु का महत्व किसी विशेष फर्म को प्राप्त होने पर ग्राहक उसी फर्म से माल क्रय करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे एकाधिकार वाले व्यवसाय हैं जहाँ पर किसी वस्तु का एकाधिकार व्यवसायी को प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार प्राप्त होने पर ग्राहक उसी फर्म से माल खरीदेगा। अब यदि वो एकाधिकार किसी दूसरे फर्म या व्यवसाय के पास चला गया तो ग्राहक भी क्या होगा, उस दूसरे फर्म या व्यवसाय के पास चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ख्याति क्या होती है, इस प्रकार से बदलती रहती है। तो ऐसी ख्याति का मूल्य क्या होता है, बहुत ही कम होता है और अधिकांश परिस्थितियों में तो शून्य ही होता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ आपस में अदलते बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार की ख्याति का जो मूल्यांकन है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये थे प्रकार, तीन प्रकार की ख्यातियों के प्रकार, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। इसके बाद ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं फर्म की स्थिति नाम। अब यहाँ हम देखेंगे कि ख्याति किस प्रकार से प्रभावित होती है, किन चीज़ों से। यदि फर्म की स्थिति व नाम, फर्म कोई अच्छी जगह पर है, अच्छे स्थान पर है, कोई प्रतिष्ठित उसका नाम है, तो ग्राहक जो है उसके लिए अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में इस
के कारण ख्याति की स्थिति को ख्याति के नाम से जाना जाता है। तो फर्म की स्थिति किस प्रकार की, उसका नाम किस प्रकार का है, इस पर को भी ख्याति प्रभावित होती है। फिर व्यवहार कुशलता, यदि स्वामी की कार्य कुशलता अच्छी है, विक्रय कला उसकी अच्छी है, मधुर उसका व्यवहार है, तो दुकान की साख क्या हो जाती है, जम जाती है। तो व्यवहार कुशलता के कारण भी यहाँ ख्याति जन्म लेती है। फिर उचित कीमत पर अच्छा माल, अगर व्यापारी को अपनी साख जमानी है या वृद्धि करनी है तो उसे ग्राहक को अच्छा माल उचित कीमत पर देना चाहिए। माल के भाव में यदि विभिन्नता करता है, मिलावट करता है, और यदि माल को कम तोलता है, फलस्वरूप किसी भी प्रकार से ग्राहक के साथ छल कपट करता है, तो इस प्रकार से इसकी ख्याति क्या होती है, ऐसी में कम होती है। लेकिन यदि वो ग्राहक से अच्छा व्यवहार करता है, ग्राहक को उचित माल देता है, शुद्ध माल देता है, तो ऐसी स्थिति में फर्म के प्रति उस ग्राहक की उसकी जो विश्वास बढ़ जाता है, इससे फर्म की ख्याति क्या होती है, बढ़ जाती है। और संतुष्ट ग्राहक जो है विज्ञापन का एक प्रभावशाली साधन होता है। संतुष्ट ग्राहक बिना लागत के आपका विज्ञापन करता है, जिससे व्यापारी की अत्यधिक उसको लाभ होता है। तो ग्राहक को संतुष्ट करना ही ख्याति को यहाँ पर जन्म देना है। इसके बाद हम देखेंगे विज्ञापन के कारण। वर्तमान का जो युग है वो प्रचार प्रसार का युग है, विज्ञापन का युग है। किसी भी उत्पादन को यदि कोई फर्म लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से करती है। तो हम देखते हैं आधुनिक युग में किसी फर्म के नाम का प्रचार करने के लिए विज्ञापन प्रमुख है। रेडियो, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है हम जितना अधिक प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे नए नए ग्राहक बनते हैं और पुराने ग्राहकों की मांग में क्या करता है, वृद्धि भी करता जाता है। इससे भी फर्म का जो नाम है वो ख्याति प्राप्त करता है। फिर एकाधिकार के कारण, कई बार वस्तुओं को बेचने का अधिकार जो यहाँ पर एजेंसी को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ एकाधिकार होने के कारण जो है ग्राहक जो है उसी फर्म के पास पहुँचते हैं, क्योंकि ग्राहक बार बार उस वस्तु विशेष के लिए उसी दुकान पर आएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे पेटेंट, प्रतिलिपि अधिकार, व्यापार चिन्ह आदि के कारण भी व्यापार को ख्याति मिल जाती। तो यहाँ किसी भी विशेष प्रकार के उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त होने पर फर्म की ख्याति बढ़ती है, क्योंकि ग्राहक उसी के पास पहुँचते हैं। फिर इसके अलावा ग्राहकों को सुविधाएं, माल बेचने उसके वितरण की सुव्यवस्था अच्छी होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। ग्राहक को के घर सामान भिजवाने की व्यवस्था की जाए तो और भी बेहतर होता है, इससे ग्राहक की स्थायी संख्या में वृद्धि होती है। दुकान में पर्याप्त बैठने की सुविधा, पानी पीने की सुविधा आदि के कारण भी ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि ग्राहकों को एक प्रतिष्ठान या व्यवसाय के द्वारा जितनी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उससे ग्राहक क्या होता है, उसी स्थान पर जाने के लिए आकर्षित होता है। और अभी पूर्व में भी समझाया कि ख्याति इस संभावना से कुछ और अधिक नहीं है कि ग्राहक जो हैं वो पुराने स्थान पर यथावत बने रहें। तो ग्राहक को जितना हम संतुष्ट करेंगे ख्याति में उतनी अधिक वृद्धि होगी। इसके बाद है फर्म के संतुष्ट कर्मचारी। फर्म के जो संतुष्ट कर्मचारी हैं, यदि उनको अच्छा वेतन, सुविधा, सारी फैसिलिटी जो है प्राप्त होती है, तो ऐसी स्थिति में वो फर्म की अच्छाइयों का जो वर्णन है वो अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में करते हैं। इससे उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे फर्म की ख्याति में वृद्धि भी होती है। फिर पूंजी की आवश्यकता, क्रेता ऐसे व्यापार को करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और लाभ कमाने की प्रत्याय दर अधिक होती है, ऐसी व्यापार की स्थिति ख्याति को बढ़ाती है। इसके विपरीत यदि व्यापार के क्रय करने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है व कम प्रत्याय दर प्राप्त होती है तो व्यवसाय की ख्याति घटती है। अर्थात यहाँ पर ऐसे व्यवसाय को क्रय करने में जिसमें हमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और लाभ अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार की स्थिति ख्याति को बढ़ाती है। फिर लाभ की प्रवृत्ति, ख्याति का जो मूल्य व्यवसाय के लाभ में होने वाले परिवर्तनों के से प्रभावित होता है। यदि व्यवसाय का लाभ सदैव बढ़ता है तो ख्याति का मूल्य बढ़ेगा, अन्यथा घटेगा। अर्थात यहाँ पर जो लाभ है, व्यवसाय में जितना अधिक लाभ होता जाता है ख्याति का मूल्य उतना ही बढ़ता चला जाता है। लाभ कम होने पर ख्याति का मूल्य कम हो जाता है। फिर प्रबंध की कार्य कुशलता, एक कुशल प्रबंध व्यवस्था उचित उत्पादन, वितरण एवं अन्य सेवाओं के कुशल नियोजन से लाभ को बढ़ाकर ख्याति के मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं।
अतः ख्याति को बढ़ाने हेतु ऐसे कुशल व्यवस्था को निरंतर बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा इन 10 बिंदुओं के आधार पर कि फर्म की जो स्थितियाँ हैं वो ख्याति को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, जिसमें फर्म की स्थिति, नाम, व्यवहार, कुशलता, उचित कीमत, अच्छा माल, विज्ञापन कारण, एकाधिकार होने के कारण, ग्राहकों को सुविधाएं, फर्म के संतुष्ट कर्मचारी, फर्म की आवश्यकता, लाभ की प्रवृत्ति और प्रबंध की कुशलता। अब यहाँ पर हम जानेंगे ख्याति के मूल्यांकन की, मूल्यांकन किन किन दशाओं में किया जा सकता है। सामान्य तौर पर ख्याति का जो मूल्यांकन है वे व्यवसाय के विक्रय की स्थिति में होता है, या अर्थात जब व्यवसाय को हम बेच रहे हैं तब उस स्थिति में होता है। परंतु साझेदारी फर्म की दशा में ख्याति का मूल्यांकन निम्न दशाओं में भी किया जाता है। जैसे कि नंबर एक, यदि सभी साझेदारों के बीच आपस में लाभ हानि के अनुपात में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, अर्थात साझेदारों के बीच में जो लाभ हानि का वितरण था उस लाभ हानि के वितरण में यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम कर रहे हैं तो यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे बिंदु आता है साझेदारी के प्रवेश पर। यदि किसी साझेदार, नए साझेदार को हम प्रवेश देते हैं तो उस समय फिर पुराने साझेदारों के बीच में आपस में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है और नए साझेदारों के द्वारा कितनी ख्याति की राशि लाई जाएगी इसका निर्धारण किया जाता है। फिर साझेदारी के अवकाश ग्रहण करने पर, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो साझेदारी यहाँ पर टूट जाती और एक साझेदार वहाँ से अलग हो जाता है, इस स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर साझेदारी की मृत्यु पर, यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो गई तो इस स्थिति में भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर साझेदारी फर्म के समापन पर, या जब व्यवसाय का विक्रय हो रहा है, यदि साझेदारी फर्म का हम समापन कर रहे हैं तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा। वहीं जब यदि व्यवसाय को हम बेच रहे हैं तब भी हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। और अंतिम स्थिति है साझेदारी फर्म के संविलियन पर। यदि संविलियन से यहाँ तात्पर्य कि यदि हम अपनी फर्म का विलय या उसको मर्ज दूसरी फर्म के साथ कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ रहे हैं या दो फर्मों को एक साथ मिला रहे हैं, तब इस स्थिति में पहली फर्म का जो है ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार से इन स्थितियों में हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने के लिए। शायद नए साझेदार को प्रवेश देते उस समय यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा तो उस स्थिति में, यदि उसकी मृत्यु होती है तो उस स्थिति में, और फर्म का जब हम समापन कर रहे हैं या व्यवसाय का विक्रय कर रहे हैं तो उस स्थिति में, साथ ही साझेदारी की फर्म के संविलियन के समय। तो इन स्थितियों में हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। अब जो विधियाँ हैं वो विधियाँ तीन प्रकार की हैं, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तीन प्रकार की जो हैं ये मूल्यांकन की विधियां हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं कि ख्याति से क्या आशय है, परिभाषा सहित समझाइए। दूसरा, ख्याति की विशेषताएं लिखिए। तीसरा, ख्याति के प्रकारों को समझाइए। चौथा, एक फर्म की ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाइए। और पांचवा, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किन किन दशाओं में किया जाता है इसको समझाइए।